हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे एट क्लास मैथ्स पीरियडिक टेस्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन पेपर ये लास्ट ईयर सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन तो सबसे पहले है सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ़ माइनस सेवनटीन बाई फाइव इज माइनस सेवनटीन बाई फाइव का रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको बताना है तो आप कहेंगे नंबर इज माइनस सेवनटीन बाई फाइव और रेसिप्रोकल में नंबर्स में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स इंटरचेंज हो जाते हैं तो फाइव ऊपर चला जाएगा और सेवनटीन डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस साइन को हम हमेशा न्यूमरेटर में ही रखते हैं सो आंसर इज माइनस फाइव बाई सेवेंटीन सेकेंड इज वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन इसमें एक्स की क्या वैल्यू होगी थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सेवन पहले टू को ट्रांसपोज करेंगे आर एच एस में सो थ्री एक्स इक्वल टू सेवन प्लस टू थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई थ्री 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 ज नाइन एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स की वैल्यू है थ्री नेक्स्ट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज एक पॉलीगन में कितनी भी साइड्स हो लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा होता है थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री नेक्स्ट इज नेम द पॉलीगन हैविंग पॉलीगन का नाम बताइए जिसमें फाइव साइड्स होती हैं तो फाइव साइड के पॉलीगन को हम कहते हैं पेंटागन एंड एट साइड्स एट साइड्स के पॉलीगन को कहते हैं ऑक्टागन ओके सेक्शन बी पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर द मेजर्स ऑफ ऑफ टू एंगल्स अ पेरलोग्राम आर इन द रेशो टू रेशो थ्री एक पेरलोग्राम में दो एडजस्टेंट एंगल्स मान लीजिए ये है इन दोनों का रेशो है टू रेशो थ्री फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द पेरलोग्राम पैरलोग्राम के सभी एंगल्स का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है अब पैरोलोग्राम में एंगल्स से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज हैं सबसे पहले तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ये इसके इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा और दो एडजस्टेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है चाहे ये दोनों एडजस्टेंट एंगल्स हो चाहे ये दोनों हो कोई भी दो एडजस्टेंट एंगल्स इनका सम होगा इक्वल टू 180 डिग्री सो आंसर नंबर फाइव ये मान लीजिए पैरलोग्राम है ए बी सी एंड डी कोई भी दो एजस्टेंट एंगल्स ले लीजिए इन द रेशो टू रेशो थ्री मान लीजिए एंगल ए और बी टू रेशो थ्री में है लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर अगर टू रेशो थ्री जब भी आपको रेशो गिवन होता है किसी की एज का एंगल्स का नंबर्स का तो पहले तो हम एक वेरिएबल अज्यूम करते हैं मान लीजिए एक्स आपने अज्यूम किया एक को हम लेंगे टू एक्स दूसरे को लेंगे थ्री एक्स रेशो का मतलब है ये जो नंबर है ये टू का मल्टीपल है और ये थ्री का मल्टीपल है और मल्टीपल भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स जैसे टू सिक्स आर और फिर हम थ्री सिक्स आर लेंगे सिक्स आर अगर ये ट्वेल्व है तो ये थ्री सिक्स आर ये एटीन होगा इस तरीके से तो मान लीजिए x टाइम्स है ये दोनों ही तो लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्स एंड थ्री एक्स रेस्पेक्टिवली एंगल ए मान लीजिए है और एंगल बी थ्री एक्स है अभी एडजस्टेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज लगाते हैं नाउ टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी क्यों क्योंकि सम ऑफ एडजेंट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम इज वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री सो टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज फाइव एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री एक्स कितना होगा वन एटी बाई फाइव फाइव थ्री आर फिफ्टीन सिक्सटी सेवनटीन एटीन थर्टी फाइव सिक्स आर थर्टी एक्स है थर्टी सिक्स डिग्री तो एंगल ए कितना हो जाएगा एंगल ए था टू एक्स टू एक्स इक्वल टू टू इंटू थर्टी सिक्स इज सेवेंटी टू डिग्री एंगल बी था थ्री एक्स थ्री एक्स हो जाएगा थ्री इंटू थर्टी सिक्स डिग्री सिक्स थ्री ज़ार एटीन वन थ्री थ्री ज़ार नाइन प्लस वन टेन वन हंड्रेड एंड एट डिग्री अब बाकी के सभी एंगल्स भी आपको फाइंड करने थे जितना एंगल ए होगा उतना ही मेजरमेंट एंगल सी का होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप लिखेंगे एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल ए इज़ इक्वल टू सेवेंटी टू डिग्री क्योंकि एंगल ए सेवेंटी टू डिग्री है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलरली एंगल बी के इक्वल कौन सा एंगल होगा बी के ऑपोजिट डी है सो एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी इज विच इज ईक्ल टू वन हंड्रेड एंड एट डिग्री एंगल ए सेवेंटी टू है बी वन हंड्रेड एंड एट है सी सेवेंटी टू है और डी वन हंड्रेड एंड एट है ये चारों एंगल्स का मेजरमेंट है नेक्स्ट नेक्स्ट इज फाइंड टू राशनल नंबर्स बिटवीन टू बाई थ्री एंड फोर बाई फाइव दोनों नंबर्स के बीच में दो राशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो राशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे आंसर नंबर सिक्स नंबर्स हैं टू बाई थ्री एंड फोर बाई फाइव ओके थ्री और फाइव का एल हो जाएगा फिफ्टीन एल ऑफ थ्री एंड फाइव इज फिफ्टीन तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें फिफ्टीन बनाना है टू बाई थ्री थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन हो जाएगा न्यूमरेटर में भी सेम ऑपरेशन करना होगा टू फाइव ज़ार टेन टेन बाई फिफ़्टीन लिखेंगे टू बाई थ्री को फोर बाई फाइव फाइव को फिफ्टीन बनाना है तो थ्री से करेंगे मल्टीप्लाई फिफ्टीन थ्री फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व तो अभी हमने टू बाई थ्री और फोर बाई फाइव को लिख दिया टेन बाई फिफ़्टीन एंड ट्वेल्व बाई फिफ्टीन आपको दो नंबर्स फाइंड करने थे इनके बीच में अभी हम देखते हैं फिलहाल कितने नंबर्स हैं टेन और ट्वेल्व के बीच में एक ही नंबर है एलेवन एक नंबर और चाहिए हमें तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं टू से क्योंकि दो नंबर्स नहीं मिल रहे हैं टू से थ्री से फोर से फाइव से किसी से भी आप कर सकते हैं जिससे कि एटलीस्ट टू नंबर्स इसमें हो जाए टू से मल्टीप्लाई करते ये ट्वेंटी हो जाएगा ये ट्वेंटी फोर हो जाएगा फिर तीन नंबर्स हमें मिल जाएंगे कोई भी दो हम लिख सकते हैं फर्दर हम कहेंगे टेन बाई फिफ़्टीन टू से किया हमने इसको ट्वेंटी बाई थर्टी देन ट्वेल्व बाई फिफ़्टीन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से टू से किया ट्वेंटी फोर बाय थर्टी अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फ्रैक्शन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो एज़ इट इज़ रहता है इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म अगर हम देखें ट्वेंटी बाई थर्टी की ये टू बाई थ्री ही है एक्चुअली में ओके सो टू बाई थ्री को हमने ट्वेंटी बाई थर्टी लिखा फोर बाई फाइव को ट्वेंटी फोर बाई थर्टी लिखा अब इनके बीच में हम दो नंबर्स फाइंड करेंगे सो नंबर्स आर ट्वेंटी बाई थर्टी के बाद आएगा ट्वेंटी वन बाई थर्टी ट्वेंटी टू बाई थर्टी ट्वेंटी थ्री भी है लेकिन क्योंकि हमें दो ही लिखने हैं सो so यही हमारा आंसर है ओके okay, नेक्स्ट नेक्स्ट सॉल्व करना है फाइव एक्स प्लस सेवन बाई टू इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स माइनस फोर्टीन सेवन फाइव एक्स प्लस सेवन बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू एक्स माइनस फोर्टीन पहले जो वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको एक साइड रखते हैं इसको इधर ले जाएंगे कॉन्स्टेंट की टर्म्स को एक तरफ या फिर एक काम करते हैं फाइव एक्स को ले जाते हैं उधर माइनस फोर्टीन वैसे नेगेटिव आएगा ही चलो थ्री बाई टू को ही ले लेते हैं फाइव एक्स माइनस थ्री बाई टू एक्स इक्वल टू यहाँ पर माइनस फोर्टीन था आर एच एस में सेवन बाई टू जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा माइनस सेवन बाई टू एल सी एम लेते हैं टू एल सी एम हो जाएगा टू फाइव ज़ार टेन टेन एक्स माइनस ये थ्री एक्स आज इट इज़ है इक्वल टू यहाँ पर भी टू एल सी एम आएगा फोर्टीन टू ज़ार ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट माइनस सेवन डिनोमिनेटर्स में अगर टू है तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला टू उस तरफ अगर आप इसको लेकर जाएंगे आर एच एस में इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और फिर ये कैंसिल हो जाएगा आप चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो ये भी टेन एक्स माइनस थ्री एक्स चलो इसको सेवन एक्स लिखते हैं ये है सेवन एक्स बाई जो टू था डिनोमिनेटर में उसको हम आर एच एस में लेकर गए हैं माइनस ट्वेंटी एट माइनस सेवन इज माइनस थर्टी फाइव बाई टू ये टू उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया और कैंसिल हो गया ये एक स्टेप या फिर आप चाहे तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं सेवन एक्स इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव सो एक्स कितना होगा माइनस थर्टी फाइव बाई सेवन सेवन फाइव आर थर्टी फाइव एक्स इक्वल टू माइनस फाइव ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज दिगर एच ओ पी ई होप इज अ पैरलोग्राम ये एक फिगर है एच ओ पी ई पैरलोग्राम है फाइंड दी एंगल्स एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड सेड इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले देख लेते हैं करेंगे कैसे उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे एक्स वाई जेड सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल सेवेंटी डिग्री है अगर ये सेवेंटी है तो ये इंटीरियर एंगल आप फाइंड कर सकते हैं इन दोनों का सम वन एटी होता है क्योंकि ये लीनियर पेयर है स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो सेवेंटी अगर ये है ये हो जाएगा वन हंड्रेड एंड टेन एक सौ दस और सत्तर एक सौ अस्सी होंगे अभी यहाँ से एक्स तो हमें डायरेक्ट मिल गया क्योंकि एच ओ पी ई ये पूरा एक पैरलोग्राम था और पैरलोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये वन हंड्रेड एंड टेन है तो ये भी वन हंड्रेड एंड टेन हो जाएगा अब वाई और जेड को देखते हैं अगर y को हम देखिए जो एंगल फोर्टी की है इसका क्या यूज है यहाँ पर ये यह देखो ये एक z बन रहा है यहाँ पर z कब बनता है जब दो पैरल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और यहाँ पर ये यह z बनता है तो ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि दोनों इक्वल होते हैं और इसमें भी ये दोनों पैरल साइड्स हैं क्योंकि पैरलोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं इसको अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो फोर्टी हो जाएगा बाई के इक्वल या फिर वाई हो जाएगा फोर्टी के इक्वल वाई भी हमें यहाँ से मिल जाएगा वाई है फोर्टी एक्स मिल गया वाई मिल गया अभी जेड फाइंड करना है जेड को कैसे फाइंड करेंगे जेड में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अगर हम इस ट्रांगल को देखें एच ओ पी हॉप को तो इसमें ये फोर्टी है ये वन हंड्रेड एंड टेन है थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ट्रांगल में भी तीनों एंगल्स का सम वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री होता है अब इसको लिखते हैं ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे पहले तो एग्जाम में फिर से आंसर नंबर एट ओके Uh, सबसे पहले हम एंगल फाइंड करने वाले हैं पी ओ एच एंगल पी ओ एच इक्वल टू वन एटी माइनस सेवनटी डिग्री क्यों क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं ओके तो ये होगा वन एटी माइनस सेवेंटी इज वन हंड्रेड एंड टेन पी ओ एच इक्वल टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री नाउ एंगल एक्स इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू एंगल पी ओ एच एक्स पी ओ एच के इक्वल है क्यों क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑफ पार्लोग्राम ओके सो एक्स हो जाएगा और वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री एक्स फाइंड कर लिया हमने अभी वाई वाई इक्वल है फोर्टी के वाई इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप चाहे तो पूरा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सेंस पी चलो लिखते ही है अभी हम कहेंगे दैट ई पी इज पारल टू एच ओ ई पी ना ई पी इज़ पैरल टू एच ओ एंड ट्रांसवर्सल हम ले रहे हैं पी एच को एंड पी एच इज ट्रांसवर्सल अगर इस सिलारियों को देखें कि ये इसके पैरल है और ये ट्रांसवर्सल है देन ये दोनों एंगल्स ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं सो वाई इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर

Z हमें फाइंड करना है एज इट इज़ रखेंगे प्लस पी यू एच कितना है वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री वन वन ज़ीरोक्वल टू वन एटी वन हंड्रेड एंड टेन एंड फोर्टी इज़ वन फिफ्टी सो z प्लस वन फिफ्टी इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री Z इज़ इक्वल टू वन एटी माइनस वन फिफ्टी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री z थर्टी है X सेवन एक्स वन हंड्रेड एंड टेन है और Y फोर्टी डिग्री है ओके नेक्स्ट ना सेक्शन सी थ्री मार्कर्स है यहाँ पर क्वेश्चन इवेलुएट करिए यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का मतलब है आप डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको इसको इवालुएट करना है ये नहीं कि इसको मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया और फिर आपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया कोई एक प्रॉपर्टी तो आपको इसमें लगानी होगी टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन माइनस वन बाई फोर्टीन माइनस थ्री बाई सेवन इंटू थ्री बाई फाइव तो इसमें अगर हम देखें ये फर्स्ट नंबर है हमारा क्योंकि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन होने वाली है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अकेला ही नंबर है और फिर ये दोनों नंबर्स हैं इसमें और इसमें थ्री बाई सेवन कॉमन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं सो so पहले हम क्या करते हैं इन दोनों नंबर्स को आगे लेकर आते हैं माइनस वन बाई फोर्टीन को पीछे लेकर आएंगे एंड देन थ्री बाई सेवन कॉमन लेकर इनको सॉल्व करेंगे सो आंसर नंबर नाइन टू बाई फाइव इन टू माइनस थ्री बाई सेवन माइनस वन बाई फोर्टीन सिर्फ देन माइनस थ्री बाई सेवन इंटू थ्री बाई फाइव सो इसको आगे रखेंगे इसको पीछे रखेंगे टू बाई फाइव इंटू माइनस थ्री बाई सेवन एज इट इज है माइनस थ्री बाई सेवन इंटू थ्री बाई फाइव आगे आया और इसमें आगे पीछे करने में आपको इनके साइंस नहीं चेंज करने हैं साइन आप चेंज तब करते हैं जब कोई भी नंबर इक्वल साइन को क्रॉस करता है अगर यहीं पर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो एज इट इज रहेंगे थ्री बाई फाइव माइनस वन बाई फोर्टीन अब इन दोनों नंबर से फर्स्ट और यहाँ से माइनस थ्री बाई सेवन कॉमन ले लेते हैं माइनस थ्री बाई सेवन यहाँ पर भी माइनस थ्री बाई सेवन है कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा टू बाई फाइव माइनस थ्री बाई सेवन चला गया यहाँ से माइनस थ्री बाई सेवन चला गया तो प्लस थ्री बाई फाइव बचा अब तक इसके आगे कोई साइन नहीं था मल्टीप्लीकेशन में था क्योंकि इसके साथ अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो हम यूज़ करेंगे अगर सिर्फ थ्री बाई सेवन कॉमन जाता तो माइनस थ्री बाई फाइव बचता यहाँ पर लेकिन क्योंकि माइनस भी चला गया है तो अब ये बचा है प्लस थ्री बाई फाइव ओके एंड देन माइनस वन बाई फोर्टीन माइनस थ्री बाई सेवन टू प्लस थ्री ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले टू प्लस थ्री इज फाइव ये हो जाएगा फाइव बाई फाइव यानी कि वन वन से मल्टीप्लाई करने पर माइनस थ्री बाई सेवन माइनस थ्री बाई सेवन ही रहेगा माइनस थ्री बाई सेवन माइनस वन बाई फोर्टीन अब इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा फोर्टीन सेवन टू जर फोर्टीन टू से मल्टीप्लाई किया थ्री टू जर सिक्स दिस इज माइनस सिक्स माइनस वन ये हो गया माइनस सेवन बाई फोर्टीन सेवन टू फोर्टीन आंसर इज माइनस वन बाई टू ओके तो क्या किया सबसे पहले एडजस्टमेंट की इसको आगे लेकर आए क्योंकि कॉमन हमें लेना है थ्री बाई सेवन कॉमन लिया ब्रैकेट में वन हो गया वन से इन टू करने पर माइनस थ्री बाई सेवन वही रहा फिर लास्ट में माइनस वन बाई फोर्टीन था प्लस माइनस कर दिया नंबर्स को नेक्स्ट नेक्स्ट इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ सिक्स साइड्स एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें साइड्स हैं उसका हर एक एक्सटीरियर और हर एक इंटीरियर एंगल फाइंड करिए अब दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं अच्छा वैसे तो हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी पता है अगर किसी पॉलीगन में छह साइड्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि हेक्सागन है तो इसमें सभी रेगुलर का मतलब है ऑल साइड्स आर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल तो अगर इसमें छह साइड्स है छ एंगल्स होंगे फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज़ इक्वल टू एन माइनस टू इंटू वन एटी जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन एटी से तो इसमें सिक्स साइड्स हैं सम क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन इज सिक्स माइनस टू इंटू वन एटी क्योंकि हमारे पॉलीगन में छः साइड्स हैं सिक्स माइनस टू इज़ फोर फोर इंटू वन एटी एटीन फोर्स फिफ्टी फोर फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी डिग्री सभी एंगल्स का सम फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी है छः एंगल्स हैं तो हर एक एंगल कितना हो, होगा सो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू फाइव फोर्टी बाई सिक्स सिक्स नाइन जार फिफ्टी फोर नाइन्टी डिग्री यानी कि हर एक एंगल नाइन्टी डिग्री का होगा और अगर इंटीरियर एंगल नाइन्टी का है तो एक्सटीरियर कितने का होगा इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा वन एटी होता है अगर मान लीजिए एक्सटीरियर का मतलब क्या है अगर ये आपका चलो ट्राइंगल लेते हैं ये आपका ट्राइंगल है इसमें अगर आप इस साइड को एक्सटेंड करें ये बनेगा इसका एक्सटीरियर एंगल ये है इंटीरियर दोनों का सम वन एटी है ऐसी अगर आप एक क्वाडर लेटर ले इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर एंगल है अगर एक हेक्सागन ले जैसा कि इस केस में है तो ये पेंटागन बन गया तो किसी भी साइड को आप एक्सटेंड करते हैं मान लीजिए आपने इसको एक्सटेंड कर दिया ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये इंटीरियर एंगल होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम हमेशा वन डिग्री होता है अगर आपको इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर कैसे फाइंड करेंगे वन से माइनस करके सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू वन एटी माइनस नाइन्टी यानी कि ये भी नाइन्टी डिग्री हो जाएगा एक तो ये तरीका है या फिर एक तरीका ये है कि आप पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लीजिए एक्सटीरियर एंगल में हमें पता है कि सभी एंगल्स का सभी जो एंगल्स हैं उनका सम थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी होता है छः साइड्स हैं सभी एंगल का सम थ्री सिक्सटी होगा थ्री सिक्सटी बाई सिक्स सिक्स एक्सटीरियर एंगल सिक्सटी डिग्री एन माइनस टू वन एटी एटीन थ्री ओ एटीन थ्री ज़ फिफ्टी फोर सॉरी एटीन फोरज आर सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ये हमने गलत किया है ओके वन एटी इंटू फोर इज़ सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री ये सेवन ट्वेंटी होगा सो so, हर एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा सेवन ट्वेंटी बाई सिक्स सिक्स वन सेज सिक्स सिक्स टू ज़ ट्वेल्व वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो जाए एंगल हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी यानी कि सिक्सटी डिग्री एक ये तरीका है या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से जो कि ज़्यादा ईजियर है अभी हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है इज इक्वल टू वन एटी डिग्री हमेशा सॉरी थ्री सिक्सटी डिग्री हमेशा थ्री सिक्सटी होता है चाहे कोई भी पॉलीगन हो सो so, क्योंकि इसमें छह साइड्स हैं छह एक्सटीरियर एंगल होंगे सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल छः का सम थ्री है एक कितने का एक का मेजरमेंट कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी बाई सिक्स यानी कि सिक्सटी डिग्री और जैसे ही एक्सटीरियर मिला आप इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा वन एटी माइनस सिक्सटी यानी कि वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इज हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज वन सिक्सटी फाइव डिग्री इंटीरियर एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर आप वहाँ से चलेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेरेटिवली तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल पूछा है या फिर इंटीरियर एंगल गिवन है फिर भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि एक ही मिनट लगेगा इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर हम फाइंड कर लेते हैं वन से इसको माइनस करके सो so, अगर इंटीरियर एंगल वन डिग्री है एक्सटीरियर कितना होगा आंसर नंबर इलेवन और मैनी साइड्स साइड्स कितनी है वो पूछा है हर एक इंटीरियर एंगल वन डिग्री है सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 एटी माइनस वन इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होता है तो उसमें से वन से अगर हम इंटीरियर को माइनस करें एक्सटीरियर आपको मिल जाएगा दिस इज़ फाइव वन फिफ्टीन डिग्री हर एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का है अब हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स होगी क्योंकि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम थ्री होता है तो थ्री से डिवाइड कर देंगे हर एक एंगल के मेजरमेंट को फिफ्टीन टू जार थर्टी एंड देन फिफ्टीन फोर जार्सटी ट्वेंटी फोर साइड्स होगी एक्सटीरियर एंगल के केस में सबसे सिंपल है अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो थ्री सिक्सटी को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ साइड से आपको हर एक एंगल मिल जाएगा कितने का है अगर आपको हर एक एंगल का मेजरमेंट गिवन है तो थ्री सिक्सटी को डिवाइड कर दीजिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में थ्री सिक्सटी को अगर आप डिवाइड करेंगे सिक्स से तो आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल अगर आप फाइंड कर ले 360 को डिवाइड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल से तो आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी ओके okay? तो so 24 साइड्स है इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट इज द गिवन पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ एक महीने में एक फैमिली की जो इनकम थी कुछ उसने सेव किया कुछ एक्सपेंसिज हैं उसके एक्सपेंसिज आपको गिवन है जैसे हाउस रेंट का ये वाला पाई चार्ट में आपको गिवन है ये एक सेक्टर है टेन परसेंट एजुकेशन ऑन चिल्ड्रन पर उन्होंने खर्च किया फिफ्टीन परसेंट फूड पर ट्वेंटी फाइव क्लोदिंग पर टेन सेविंग पर फिफ्टीन अदर ट्वेंटी परसेंट सेविंग की फिफ्टीन फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम किस आइटम पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है दैट इज ट्वेंटी ऑन फूड सो आंसर नंबर ट्वेल्व का फर्स्ट पार्ट ऑन फूड सेकेंड एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमली कौन से आइटम के ऊपर एक्सपेंडिचर सेविंग के इक्वल है सेविंग फिफ्टीन परसेंट है तो आपको देखना है कि इसके ऊपर एक्सपेंडिचर फिफ्टीन परसेंट है चिल्ड्रेन सॉरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन नेक्स्ट इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिलीज थ्री थाउजेंड वॉट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ मंथली सेविंग यानी कि पंद्रह परसेंट और मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स कितना था टेन परसेंट तो किसी चीज का फिफ्टीन परसेंट किसी इनकम का इनकम का फिफ्टीन परसेंट आपको गिवन है कि है. टोटल जितनी भी इनकम उनकी रही होगी वो पंद्रह परसेंट बचाते हैं और एक्चुअली में अगर रुपीज में देखें तो बचता है थ्री थाउजेंड यानी कि टोटल इनकम का फिफ्टीन परसेंट है थ्री थाउजेंड आपको उनकी इनकम का टेन परसेंट बताना है तो मान लीजिए इनकम एक्स है ये कैलकुलेट करना होगा लेट टोटल इनकम बी रुपीज एक्स अभी एक्स का फिफ्टीन परसेंट है थ्री थाउजेंड ना फिफ्टीन परसेंट ऑफ एक्स विच इज सेविंग एंड एकवल टू थ्री थाउजेंड सो फिफ्टीन परसेंट मीन्स बाई हंड्रेड ऑफ मींस इन टू एक्स इक्वल टू थ्री थाउजेंड एक्स कितना हो जाएगा फिफ्टीन डिनोमिनेटर में जाएगा और हंड्रेड न्यूमिनेटर में इन टू हंड्रेड फिफ्टीन टूज आर थर्टी टू हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड देन डबल जीरो ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड उस फैमिली की इनकम है अब आपसे पूछा गया था कि क्लोथ्स के ऊपर वो कितना खर्च करते हैं क्लोदिंग के ऊपर टेन परसेंट करते हैं सो so, एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स जो कि टेन परसेंट था इक्वल टू टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड टेन परसेंट किसका ऑब्वियसली इनकम का सो टेन परसेंट मींस हंड्रेड इन टू ट्वेंटी थाउजेंड इज इज टू थाउजेंड दो हजार रुपये वो खर्च करेंगे क्लोथ्स के ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट है सेक्शन डी द फॉलोइंग फिगर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर आई एस के एंड सी एल यू ई रिस्क और क्लू ये दोनों पैरलोग्राम हैं आर आई एस के एक तो ये पैरलोग्राम है एक दूसरा सी एल यू ई ये सॉरी ये एक पैरलोग्राम है यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये थोड़ा सा कॉमन पोर्शन है दोनों दोनों का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ये है x पहले तो देख लेते हैं करेंगे कैसे उसके बाद लिखेंगे ये एंगल 120 गिवन है अब 120 है तो इससे आप कौन-कौन से एंगल्स फाइंड कर सकते हैं पहले बस हम इस पैरेललोग्राम को देखेंगे यहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं सामने वाला लेकिन ये x के लिए यूजफुल होगा नहीं 120 से हम एंगल s फाइंड करते हैं क्योंकि ये दोनों s और k रिस्क के दो एडजेसेंट एंगल्स हैं अगर ये वन ट्वेंटी है तो ये एटी डिग्री हो जाएगा सॉरी सिक्सटी डिग्री हो जाएगा क्योंकि सम वन एटी होता है वन एटी माइनस वन ट्वेंटी सिक्सटी ये होगा सिक्सटी डिग्री ना ये सेवेंटी गिवन है अब देखते हैं सी CLU एल यू को क्ल्यू जो भी एंगल गिवन है आपको ये देखना है कि उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेवेंटी से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल ई e, क्योंकि एल के ऑपोजिट है ई e, और पैरलोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिक्सटी है और ये हो जाएगा सेवेंटी ये सिक्सटी है ये सेवेंटी है आपको फाइंड करना है एक्स तो अगर हम इस छोटे से ट्रैंगल को लें इसको नाम दे लेंगे मान लीजिए ओ है अगर हम ई एस ओ को ले तीनों एंगल का एटी है दो आपको पता है एक्स जो तीसरा है उसको आप फाइंड कर लेंगे ओके लिखते हैं अभी पहले तो ये आप फिगर ड्रॉ करेंगे देन आंसर नंबर थर्टीन हम कहेंगे इन पार्लोग्राम आर आई एस के एंगल के प्लस एंगल एस इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री सबसे पहले तो ये और ये दोनों का सम वन एटी है क्योंकि ये एडजस्टेंड एंगल्स हैं ऑफ़ पैरलोग्राम के कितना है वन ट्वेंटी प्लस एस इक्वल टू वन एटी सो एंगल एस इक्वल टू वन एटी माइनस वन ट्वेंटी सिक्सटी डिग्री एस मिल गया ना इन पैरलोग्राम सी एल यू ई सी एल यू ई इसमें एल इक्वल है एंगल ई के एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल ऑपोजिट एंगलोग्राम सो एंगल ई हो जाएगा यहां से ES. इसको एक नाम दे लेंगे. ये पहले तो आपको फिर से ड्रॉ करना होगा एग्जाम में और इसका नाम मान लीजिए हमने लिखा है ओ यह है एंगल ओके सो अभी हम कहेंगे दैट इन ना इन ट्राइंगल ई एस ओ ई एस ओ में एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एक्स ये वाला जो एंगल है ई ओ एस ये एक्स मेजरमेंट है इसका इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलिगन जो कि यहाँ पर ट्रा एंगल है वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होता है ए एस पी ई कितना है सेवेंटी एस कितना है सिक्सटी एक्स हमें फाइंड करना है इक्वल टू वन हंड्रेड एटी सिक्स टू जार ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन वन हंड्रेड एंड थर्टी प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री सो एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस वन थर्टी फिफ्टी डिग्री एक्स की वैल्यू है फिफ्टी डिग्री ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज थर्टीन सेंटीमीटर एंड इट्स विथ इज होल टू थ्री बाई फाइव बाई फोर सेंटीमीटर फाइंड इट्स एक रेक्टेंगल है पेरीमीटर आपको गिवन है पेरीमीटर क्या होता है टू इन आपको प्लस है whole 2, by है ये दोनों आपको लेंथ फाइंड करनी है कि कितनी होगी ओके आंसर नंबर फोर्टीन इज इक्वल टू होल टू थ्री बाई फोर पेरीमीटर इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर नाउ पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला लिखते हैं पहले रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी सो टू इंटू एल इज़ एल क्योंकि मिसिंग है हमें फाइंड करना है बी इज़ होल टू थ्री बाई फोर एंड दिस इज़ इक्वल टू थर्टीन टू इंटू एल इंटू बी इज़ इक्वल टू पेरीमीटर विच इज़ थर्टीन सो टू मल्टीप्लाई कर देते हैं टू इंटू एल टू एल्व हो जाएगा प्लस नहीं पहले मिक्सड को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं टू इंटू एल प्लस फ़ोर टू जार एट नाइन टेन इलेवन या फिर आप चाहे तो यहीं पर ही कर सकते हैं इसको फर्स्ट स्टेप में जब आपने बिट लिखी थी फोर टू जार एट नाइन टेन इलेवन एलेवन बाई फोर सेंटीमीटर है ये इलेवन बाई फोर अभी एल लेते हैं ये हो जाएगा फ़ोर एल प्लस इलेवन बाई फोर इक्वल टू थर्टीन टू से फोर कैंसिल हो जाएगा टू टू ज़ार फोर राकेट हट जाएगा फ़ोर एल प्लस इलेवन बाई टू इक्वल टू थर्टीन टू को आर एच एस में ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा प्लस थर्टीन इक्वल टू थर्टीन इन टू टू थर्टीन टू जार ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सो फोर एल इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स माइनस थर्टीन थर्टीन देन एल इज़ इक्वल टू थर्टीन बाई फोर थर्टीन बाई फोर सेंटीमीटर इसको मिक्स में लिख देते हैं क्योंकि विथ भी उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में ही गिवन थी थर्टीन को डिवाइड करेंगे फोर से फोर टू ज़ार ट्वेल्व वन रिमाइंडर होल टू एंड वन बाई फोर सेंटीमीटर ये लेंथ है उस रेक्टेंगल की सिंपल फिथ आपको गिवन थी यानी कि गिवन था हमने फॉर्मूला में लगाया और उसको सिर्फ सॉल्व किया है नेक्स्ट नेक्स्ट इज नंबर्स टू आर नंबर ऑन टेन सेपरेट स्लिप्स वन टू टेन नंबर्स दस अलग अलग स्लिप्स के ऊपर लिखे हुए हैं वन नंबर और वन स्लिप एक स्लिप के ऊपर एक नंबर यहाँ वन लिखा है दूसरे पर टू लिखा है इस तरीके से कैप इन अ बॉक्स उनको आपने एक बॉक्स में रख दिया एंड मिक्सड वेल और अच्छे से मिक्स कर दिया वन स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट उसके बाद बिना देखे आपने उसमें से एक स्लिप चूज की है वॉट इज द प्रोबाबिलिटी क्या प्रोबाबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर सबसे पहले तो प्रोबाबलिटी क्या होती है ये फॉर्मूला भी लिखना है आपको एग्जाम में फिफ्टीन प्रोबाबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसको लिखते हैं पी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपके फेवर में हैं आउटकम्स उसमें वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स टोटल कितने आउटकम्स हैं सो पार्ट ए में अगर हम देखें इसका फर्स्ट पार्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर वन टू टेन हमारे पास नंबर्स हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हैं फर्स्ट में प्रोबाबिलिटी uh, हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल प्राइम नंबर टोटल आउटकम्स है हमारे पास टेन क्योंकि आपके बॉक्स में टेन में से कोई भी आपके पास आ सकती है तो वन हो, हो सकता है तो टोटल आउटकम्स है टेन और आपके फेवर में कौन से है आपके फेवर में है जब प्राइम नंबर आएगा वो आपके फेवर में होगा प्राइम uh, नंबर कौन से होते हैं प्राइम नंबर जिनके से दो ही फैक्टर्स होते हैं वन एंड नंबर इट सेल्फ वन से अगर हम शुरू करें वन अकेला ऐसा नंबर है विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है टू हमारा प्राइम नंबर है थ्री भी प्राइम है फोर नहीं है प्राइम क्योंकि टू की टेबल में आ गया फाइव प्राइम है सिक्स नहीं है सेवन प्राइम नंबर है वन की और खुद खुद की ही टेबल में आता है एट नहीं है टू फोर की टेबल में आ गया नाइन भी नहीं है टेन भी नहीं है तो ये प्राइम नंबर्स हैं हमारे टू थ्री फाइव एंड सेवन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में प्राइम नंबर्स चलो लिखते ही है इसको प्रॉपरली हम कहेंगे फर्स्ट के उसमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं वन टू टेन टू थ्री फाइव एंड सेवन सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवर में चार है एंड डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स हैं टेन फोर बाई टेन टू टू जार फोर टू फाइव जार टेन प्रोबाबिलिटी है टू बाई फाइव नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सेकेंड में है गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों वन टू टेन में कौन से नंबर्स हैं कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट नंबर्स लिखते हैं पहले वन अगेन ना तो कॉम्पोजिट है ना ही कोई प्राइम नंबर है टू प्राइम हो गया थ्री प्राइम हो गया फोर है कॉम्पोजिट क्योंकि टू की टेबल में आएगा अपने और वन के अलावा फाइव नहीं है सिक्स कॉम्पोजिट है सेवन नहीं है एट है नाइन है एंड टेन है सो so इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हमारे फेवर में टोटल आउटकम्स टेन है वन बाय टू नेक्स्ट नेक्स्ट इज नंबर थ्री गेटिंग अ नंबर लेस देन सिक्स क्या प्रोबेबिलिटी है कि छः से छोटा कोई नंबर आएगा सिक्स से स्मॉलर कौन कौन से नंबर्स हैं नंबर थ्री नंबर्स लेस दैन सिक्स ही था ना स्लिप्स हाँ वन टू टेन नंबर लेस देन सिक्स नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये पांच हमारे फेवर में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस दैन सिक्स इक्वल टू फाइव बाई टेन अगेन वन बाई टू नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन सिक्स से ग्रेटर कौन से नंबर है सेवन एट नाइन एंड टेन आपके बॉक्स में है तो चार नंबर वहां पर आपके फेवर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर टू फोर बाई टेन टू बाई फाइव ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन बिलो एक हॉस्टल में बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं वो आपको यहां पर गिवन है में इसको डिस्प्ले करना है डेटा को पाई चार्ट में सो so, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज फोर्टी स्टूडेंट्स बोलते हैं इंग्लिश ट्वेल्व मराठी नाइन तमिल सेवन बंगाली सेवन टोटल सेवेंटी टू स्टूडेंट्स हैं इसके लिए सबसे पहले तो एक टेबल आप बनाएंगे जिसमें हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे जो गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पर सेंट्रल एंगल लैंग्वेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड सेंट्रल एंगल एंगल तो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश मराठी तमिल बंगाली हिंदी में है फोर्टी तमिल में है ट्वेल्व नाइन सेवन एंड फोर टोटल इज सेवेंटी टू सेंट्रल एंगल फाइंड करना इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एंगल फाइंड करते कैसे हैं जैसे हिंदी का आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्पीकिंग हिंदी फोर्टी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेवेंटी टू एंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्सटी से क्योंकि हमारे इसमें टोटल स्टूडेंट सेवेंटी टू है लेकिन एंगल कितना बड़ा है जिसको आप पाई चार्ट में शो करेंगे बीच का एंगल है ना पूरा जिसको हमें डिवाइड करना है ये पूरा थ्री सिक्सटी का है तो फोर्टी को आपको सेवेंटी uh, टू को आपको थ्री सिक्सटी से इक्वेट करना है तो फोर्टी कितना होगा उसके इसमें सेवनटी uh, टू की टेबल में थर्टी सिक्स टू जार सेवेंटी टू थर्टी सिक्स टेन जार तो सेवेंटी टू ट्वेंटी जाएगा सेवेंटी टू इंटू टू देखते हैं टू टू जार फोर सेवन नो चलो थर्टी सिक्स से कैंसिल करते हैं थर्टी सिक्स टू ज़ार अच्छा फाइव जाएगा टेन जार टू फाइव जार टेन सेवेंटी टू से थ्री सिक्सटी कैंसिल हो जाएगा फाइव टाइम्स अब ये बार बार हमें नहीं करना होगा ईजी हो गया फोर्टी इंटू फाइव फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी टू हंड्रेड डिग्री पहला जो एंगल है टू हंड्रेड डिग्री का है सेकंड फाइंड करते हैं इंग्लिश का एंगल कितना होगा ट्वेल्व बाई सेवेंटी टू इंटू थ्री सिक्सटी ये हमें पता है कैंसिल हो गया फाइव आएगा ट्वेल्व फाइव हज़ार सिक्सटी दूसरा होगा सिक्सटी का नाइन्टी बाई सेवनटी टू इंटू थ्री सिक्सटी ये फाइव टाइम्स कैंसिल होगा नाइन फाइव हज़ार फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल होगा सेवन बाई सेवेंटी टू इंटू थ्री सिक्सटी दिस इज़ फाइव सेवन फाइव हज़ार थर्टी फाइव डिग्री फोर बाई सेवेंटी टू इंटू थ्री सिक्सटी दिस इज अगेन फाइव फोर फाइव हजार ट्वेंटी डिग्री ओके ये आपके एंगल्स हैं अब इन एंगल्स को आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ये डी से होगा पहले एंगल आपको बनाना है टू हंड्रेड डिग्री अच्छा इसमें ध्यान रखना है क्योंकि डी में सिर्फ वन एटी डिग्री तक ही एंगल्स होते हैं सबसे पहले तो आप सेंटर से एक सेंटर से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे टू हंड्रेड डिग्री का एंगल इस तरीके से बनेगा ये एंगल आपको पता है पूरा वन एटी का है यहां पर ट्वेंटी डिग्री का एंगल कैलकुलेट कर लीजिए डी रख के डी आपको इस पॉइंट पर रखना होगा उधर से इस तरफ से यहाँ पर आपने डी रखा ट्वेंटी डिग्री का एंगल और उसके बाद इसको इरेज कर दीजिए वन एटी वाले को ये पूरा आपका टू हंड्रेड डिग्री का एंगल बन जाएगा ये होगा टू हंड्रेड जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स थे टू हंड्रेड डिग्री नेक्स्ट एंगल है सिक्सटी डिग्री अब कंपा डी को आप रखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर इस तरफ से यहाँ से ये सेंटर पर होगा ये आपका डी की जो लाइन होती है उसके साथ अलाइंड होंगी फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल बनाएंगे एक यहाँ पर फोर्टी फाइव सॉरी सिक्सटी डिग्री का दूसरा सिक्सटी है इंग्लिश स्पीकिंग देन फोर्टी फाइव का बनाएंगे उसके बाद थर्टी फाइव का बनाएंगे और तीसरा एंगल ट्वेंटी का अपने आप बन जाएगा फिर इनको डिफरेंट कोई भी एक की बनाने के लिए अलग अलग जीरो uh, एंड इसको खाली रखते हैं फिर यहाँ पर की बनाएंगे कि ये जो इस तरीके के वो है ये हिंदी वाले हैं देन ये जो राइट वाले हैं ये इंग्लिश वाले हैं क्रॉसिस क्रॉसिस मराठी तमिल एंड बंगाली इस तरीके से ओके okay? या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आपको नहीं बनानी ये हिंदी है ये इंग्लिश है ये मराठी है ये तमिल है और ये बंगाली है ओके चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था एट क्लास पी टी वन का एक क्वेश्चन पेपर ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग